हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम द पीरियड ऑफ 1950 टू 1990। 1950 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी कैसी थी वो हमें देख रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द इंडियन इकोनॉमी बिफोर आवर इंडिपेंडेंस। व्हाई वी हैव चूजन 1950 दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर, क्योंकि दिमाग में सवाल आएगा, सर आर कंट्री गॉट इंडिपेंडेंट इन 1947, वी हैव डिस्कस्ड आवर इकोनॉमी टिल 1947, तो फिर ये 1947 से 50 के बीच का गैप आपने क्यों छोड़ दिया, 1950 से ही क्यों आगे हम कंसिडर कर रहे हैं। वी विल गेट टू दिस पॉइंट इन लेटर पार्ट ऑफ द चैप्टर। आई नियर स्टोरी टू बी 1950 से क्यों कंसिडर कर रहे हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंट हम हो गए, वी गॉट इंडिपेंडेंट, सारे डिसीजन अब हमारे ऊपर आ गए, हमारे यानी कि इंडियंस के ऊपर आ गए, इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गए। तो अब उन्हें डिसाइड करना था कि वो किस तरह की इकोनॉमी बनना चाहते हैं। सर किस तरह की, मतलब देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्सड इकोनॉमी। या तो हम मार्केट इकोनॉमी बन सकते हैं, या मिक्स इकोनॉमी बन सकते हैं, या सोशलिस्ट इकोनॉमी बन सकते हैं। तो तीनों में से कोई एक इकोनॉमी बनने का डिसीजन उन्हें लेना था, ठीक है। और हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, क्यों डिसाइड किया, वो हम देखते हैं, ठीक है। तीनों इकोनॉमी डिस्कस करते हैं और देखते हैं उन्होंने क्या डिसाइड किया। चलिए पहला आ रहा है हमारा मार्केट इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी जिसे बोलते हैं। फ्री मार्केट इकोनॉमी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस, जो डिमांड एंड सप्लाई होती है, देर आर ओनली टू मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई। तो मार्केट फोर्सेज यानी कि हमारी डिमांड और सप्लाई जो है, उनके बेसिस पे ही, उनके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिए जाते हैं, इसीलिए इसे मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ जो इस तरह की इकोनॉमी है, वहाँ पे प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस वॉट एवर दे आर वॉन्ट टू प्रोड्यूस, whatever they want to produce they can produce, no one will stop them, no one will restrict them, no one will control them। कोई government उन्हें control नहीं करेगी, restrict नहीं करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, उनको complete freedom यहाँ पर दी जाती है इस तरह की economy में, इसीलिए इसे free economy बोला जाता है। market forces पर चलती है, इसीलिए इसे market economy कहा जाता है। क्लियर है। अब इस तरह की economy के अंदर private individuals का बहुत ज़्यादा role है, और वो सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, दे ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, उनका फोकस पब्लिक के वेलफेयर पे, सोशल वेलफेयर पे बिल्कुल भी नहीं है। उनको क्या मतलब कि पब्लिक का भला हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, दिस इज देयर ओनली फोकस। मार्केट इकोनॉमी, प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड थर्ड पॉइंट इज कंज्यूमर इज सोवरेन। कंज्यूमर यहाँ पे राजा होता है, कंज्यूमर के बेस पे, कंज्यूमर के डिमांड के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। जितने भी डिसीजन है वो कंज्यूमर को सोच के, दिमाग में रख के किए जाते हैं, जो भी कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, चाहे वो सोसाइटी के लिए अच्छी है या नहीं है, यहाँ पे वो देखा नहीं जाता। मान लीजिए कंज्यूमर डिमांड कर रहा है कि भाई मेरे को गन्स चाहिए, ठीक है, और प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि यार गन बनाने के अंदर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, अच्छा खासा प्रॉफिट, तो प्रोड्यूसर वही बनाने लग जाएंगे, चाहे ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या ना हो, उससे उनको मतलब नहीं है। क्लियर है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। अब ये इकोनॉमी हम बनना नहीं चाहते थे, ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम ये नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते सर, क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर को बिल्कुल भी जगह नहीं दी गई, सिर्फ कुछ ही लोगों के फायदे के बारे में सोचा गया, वो लोग जो प्रोड्यूसर बन सकते हैं, जिनके पास में पैसा है, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर लेंगे और बाकी लोगों को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो बोले ये तो बहुत ही गलत हो गया, ठीक है, हमारे लोगों का भला कौन सोचेगा, पहले ही वो उनकी सिचुएशन ख़राब है, इंडिपेंडेंस के बाद तो इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी, हमें पता है, हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रिटिशर्स क्या सिचुएशन करके गए थे हमारी। तो फिर उसमें कंज्यूमर का भला भी ना सोचा जाए, उसका वेलफेयर भी ना सोचा जाए, और सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान दिया जाए, तो इस तरह की इकोनॉमी हम नहीं बनना चाहते, ठीक है, सही भी है। नेक्स्ट इकोनॉमी आ रही है सोशलिस्ट इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती थी कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस,
क्या बनाए, किसके लिए बनाए, कैसे बनाए, सब सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती थी। ठीक है, ये सब कुछ कंट्रोल में था। ठीक है, वो फोकस किस पे करती थी, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर पे। वो हमें प्रोडक्ट बनाना है जिससे सोसाइटी का भला हो सके, उसमें उसको बनाने में प्रॉफिट हो या ना हो, उसको बेचने में प्रॉफिट हो या ना हो, हमें बनाना वही है जिससे सोसाइटी का भला हो सके, ऐसा गवर्नमेंट का मानना था। ये सोचती थी वो। ठीक है, गन्स बनाने में सोसाइटी का कोई भला नहीं है, टोबैको प्रोडक्ट्स बनाने में सोसाइटी का कोई भला नहीं है। ठीक है, चाहे कंज्यूमर कितना ही बोले कि हमें तो टोबैको प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, हमें तो सिगरेट पीनी ही पीनी है, ठीक है, लेकिन हम नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि इससे सोसाइटी को बहुत हार्म होता है। ठीक है, हम ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। हम बनाएंगे फुटवेयर, चप्पल, हम बनाएंगे दवाइयाँ, हम बनाएंगे क्लॉथ जिससे लोगों को पहनने के लिए कपड़ा मिल सके, हम फूड पे ध्यान देंगे जिससे लोगों को खाना मिल सके, हर एक छोटे से छोटे आदमी का भला हो सके, हम ये सोचेंगे, चाहे प्रॉफिट हो या ना। तेरे तो सोशल वेलफेयर यहाँ पे नहीं था और कंज्यूमर को बिल्कुल भी सोल्ड नहीं समझा जाता था। कंज्यूमर वॉज नॉट एट ऑल सोल्ड। ठीक है, कंज्यूमर तो कल को गलत डिमांड करने लग जाएगा, उसकी तो इच्छा अल्कोहल पीने की हो जाएगी, तो क्या अल्कोहल थोड़ी प्रोवाइड करने लग जाएंगे उसे? ऐसा नहीं किया जाएगा। जो भी गवर्नमेंट को लगेगा, जो भी सबसे बेस्ट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, वो ही यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखा जाता था। अब इस तरह की इकोनॉमी भी हम नहीं बनना चाहते थे। गवर्नमेंट को लगा कि भाई सब कुछ अपने ही कंट्रोल में ले लेंगे, हर कुछ अपन डिसाइड करेंगे, तो लोगों को लगेगा कि भाई ब्रिटिशर्स चले गए और एक और गवर्नमेंट आ गई, वो बस नाम चेंज हो गया, अब कुछ कोई और लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम तो हमें देनी ही है। अगर हम फ्रीडम ही नहीं देंगे लोगों को, तो फिर ये इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? ठीक है, तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है, उन्होंने ये इकोनॉमी बनना डिसाइड नहीं किया। दूसरा, ये इकोनॉमी नहीं बनने का एक और रीज़न था कि यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को खुद को लेनी पड़ती है। प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को खुद को लेनी पड़ती है, तो गवर्नमेंट अगर सारी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, इतना पैसा भी गवर्नमेंट के पास में नहीं था, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने से भी गवर्नमेंट यहाँ पे बचना चाह रही थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने ये इकोनॉमी बनने के बारे में नहीं सोचा। तो सर फिर ये नहीं बना, ये नहीं बना, तो सर क्या बना? फिर बनी हमारी खिचड़ी। ठीक है, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। दोनों के फीचर्स हमने लिस्ट कर दिए। गवर्नमेंट ने क्या बोला, बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को फ्रीडम दिया। बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपको फ्रीडम है, ठीक है, आप करिए जो करना चाहते हैं, आप प्रॉफिट के लिए प्रोड्यूस करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन कुछ एरियाज हम हमारे पास में रखेंगे, या कुछ एरियाज में हम साथ साथ वर्क करेंगे, जिससे लोगों का भला भी हो सके, सोशल वेलफेयर भी हो सके। आप प्रॉफिट पे ध्यान दीजिए, हम सोशल वेलफेयर पे ध्यान देंगे। तो दोनों को फीचर को मिक्स किया गया है यहाँ पे। ठीक है, वैसे तो ठीक है, जो कंज्यूमर चाहे वो होता है यहाँ पे, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट भी असेंशियल चीज़ों का ध्यान रखती है। कंज्यूमर बोलेगा कि भाई मेरे को तो टोबैको प्रोडक्ट्स चाहिए, ये अल्कोहल चाहिए, ये सब, तो मान लीजिए प्राइवेट प्रोड्यूसर उनको देंगे, लेकिन साथ ही साथ असेंशियल प्रोडक्ट्स, यानी कि लोगों के पास खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये भी गवर्नमेंट ध्यान रखेगी। यही रीजन है कि आज भी हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS राशन शॉप्स आज भी चलते हैं, कि ये असेंशियल कमोडिटी गवर्नमेंट ने माना कि इतना भला तो हमें करना ही करना है, सोशल वेलफेयर तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट तो प्रोड्यूसर्स कमा रहे, उनको तो फ्री छोड़ दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, हम सोशल वेलफेयर करेंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ने दी। तो मिक्स इकोनॉमी बनना हमने डिसाइड किया, ना मार्केट ना सोशलिस्ट, हमने मिक्स इकोनॉमी बनना स्टार्ट डिसाइड किया। दोनों के फीचर्स ले लिए, दोनों की अच्छी बातें हमने ले ली, कि जो भी अच्छा है इसमें से हमने लगा वो ले लिया। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना हमने देख लिया है, अब आगे क्या हुआ वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।